बोध गया का महाबोधि मंदिर विश्व भर के बौद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। जी। हम तोड़ गए जब तुम जगे। ये जो बौद्ध धर्म का संस्थापक दे रहे हैं, यही बुद्ध है जो बौद्ध धर्म का संस्थापक है। ये बंगाल का राजा शशांक ने इसको बनाया था। काले पत्थर के इस पर सोना से पेंट किया गया है। भगवान बुद्ध के माथे पर डायमंड बर्मास्त्र का निदान दे भिक्षा माता ने भिक्षा का अर्पण कर दिया था। तो ऐसे मशीन से वो कर जाइए, ऐसे निकालिएगा, उसके बाद बोली सीख लेंगे। बिहार प्रदेश में गया नगर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित बोध गया वह पुण्य भूमि है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं विश्व के एक बड़े भूभाग में फैलने वाले बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। बौद्धों के इस सर्वश्रेष्ठ और पवित्रतम स्थान की महिमा निराली है। बुद्ध का जन्म ईसा से 544 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु गणराज के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। बालक का नाम सिद्धार्थ था। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, सुंदर पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के होते हुए भी उनको संसार का मोह पास नहीं बांध सका। मानवीय जीवन के अतीव कष्टों को देखकर उन्हें संसार से विरक्ति हो गई और वे ज्ञान की खोज में घर बार त्याग कर जंगलों में चले गए। उरुबेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के पास 5 वर्ष की कड़ी तपस्या करने पर शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद भी वे अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। उरुबेला के ग्राम प्रधान की पुत्री सुजाता ने उन्हें भोजन कराया। तत्पश्चात वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और समाधि लग गए। सात सप्ताह तक समाधि में रहने के बाद सिद्धार्थ को बोध हो गया और वे बुद्ध हो गए। ये कल्पना करके राजा अशोक ने बनाया। बुद्ध के ज्ञान मिलने के बाद 2300 पहले बनाए थे। ये चरण, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट राइट है। अशोक का स्तंभ मछली के भगवान के चरण गोल्ड। सिद्धार्थ को बोध प्राप्त होने के कारण इस स्थान का नाम बोध गया पड़ा तथा जिस पीपल के नीचे समाधि लगी थी वह बोध वृक्ष कहलाया। वह पेड़ 2500 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी आज बोध गया में मौजूद है। ये ब्रिज के बगल में सिद्धार्थ बैठे थे। जहाँ पर बैठे तो वहाँ पर मिट्टी का था। वो अब चबूतरा राजा अशोक ने 2300 पहले वो चबूतरा बना दिया गया है। 2300 वर्ष पहले बुद्ध के ज्ञान मिलने के बाद 300 बाद तो ये जगह का नाम वज्रासन ज्ञान स्थली। वज्रासन का मतलब होता है ब्रज की मुद्रा कठोर तपस्या। ज्ञान का मतलब ज्ञान स्थल का मतलब वो जगह का नाम है। ज्ञान मिलने के बाद 300 बाद 23 वर्ष पहले राजा अशोक का बेटा महिंद्र संघमित्रा एक पौधा का अनुराधापुरम श्रीलंका ले गए थे। उसके बाद ये ट्री 3 बार कटाया गया। ये चौथा ट्री 4 जनरेशन ट्री है। तो पहला ट्री कटा राजा अशोक का वाइफ का नाम था त्रिदर्शिका। वो पक्का हिंदू धर्म सनातन धर्म मानने वाले थे, बौद्ध धर्म नहीं मानते थे। राजा अशोक मगध सम्राट थे, यहाँ के सम्राट थे। कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसका पत्नी जो त्रिदर्शिका थी वो पक्का हिंदू धर्म मानने वाले थे। उसका पत्नी चाहती मेरा पति वापस हिंदू धर्म को मान ले, इसलिए उसका पत्नी ने पहली बार पेड़ को कटा दिया। पेड़ किसी को कटा देगा अगर मैं पेड़ कटा मेरा पति वापस हिंदू मान लेगा। लेकिन राजा अशोक दोबारा हिंदू नहीं माने तो कटा वो उससे दूसरा दिन बाद सेम रूप निकला। कुछ दिन बाद राबिया बंगाल से शाग नाम कर रहे थे, वो भी बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म सनातन धर्म मान रहे थे, बौद्ध धर्म के खिलाफ थे। उसने दूसरी बार कटा दिया, जल्द से नहीं कटाया। कटा रूट से तीसरा निकला तो जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी उस समय आंधी तूफान प्रकृति आपदा भूकंप आया तो खत्म हो गया। ये जो ट्री है चौथा ट्री है। तो जिस समय सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था 26 वर्ष पहले, ज्ञान मिलने के बाद 300 बाद 23 वर्ष पहले राजा अशोक का बेटा का नाम महिंद्रा, बेटी का नाम सुमित्रा, उन्हें एक पौधा अनुराधापुरम श्रीलंका लेके तो वहीं से ब्रिटिश लॉर्ड के लिए ट्री लाया। 140 वर्ष पुराना है, ठीक है। और जहाँ पर सिद्धार्थ को ज्ञान मिला उसके ऊपर जो सिंहासन है ये श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा 1996 में दान दिया। ओरिजिनल गोल्ड ने गुलकवाटा सोने पान चला गया। और ये सब रेलिंग देख रहे हैं, ये साल दो साल पहले दान दिया। ओरिजिनल गोल्ड ने गुलकवाटा सोने पान चला। ये मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, यहीं पर सिद्धार्थ बुद्ध कलाए थे। मंदिर का पहला सप्ताह गोल्ड लगे, अगला सप्ताह चलेंगे। वो सामने वाला? जी सामने वाला। उसके बारे में और क्या रहस्य है? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, यहीं पर देश दुनिया से घूमने के लिए लोग आते हैं। यहीं पर सिद्धार्थ बुद्ध कलाए, उसके बाद बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ये यही वृक्ष के नीचे वो जगह वही है। ट्री 3 बार कटाया गया। अच्छा। जगह वही 3 बार कटाया गया, उसी का वंशज ये ट्री। बुद्ध का पहला सप्ताह ज्ञान मिलने के बाद मंदिर बनाया गया। यहाँ की सरकार श्रीलंका सरकार ने 1985 में बनाया गया। उसमें महामाया देवी का मंदिर है।
इंसान तो लॉकडाउन है, जब इंसान पूजा पाठ होता है दलाई लामा कर्मा पाठ बहुत ही चुप किताब देते हैं। एक ऐसा वाला बोर्ड वहाँ पर लिखा है अनिम सुलोचन, अनिम सुलोचन का मतलब होता है पलक नहीं देखना, बिना पलक जपाई देखना। तो बुद्ध का पहला सप्ताह ज्ञान मिलने के बाद दूसरा सप्ताह लगातार साथ में बोध भी चुका, पलक जिससे बिना पलक जपाई बोधि जी को देख रहे थे। उस समय मंदिर नहीं था जिसमें भगवान लगातार साथ में बोध भी देख रहे थे और मन में सोचते कि हमको तो ज्ञान मिल चुका है लेकिन मैं अपना ज्ञान दूँ तो किसको दूँ। उस समय उर्वेला जंगल में सारा शिष्य जो बुद्ध का था वो साथ छोड़कर चले गए थे। ये भगवान बुद्ध का तीसरा सप्ताह है। ये जगह का नाम है चंकरमन। चंकरमन का मतलब था वॉकमेंटेशन। जब भगवान बुद्ध तीसरा सप्ताह वॉकमेंटेशन अप एंड डाउन 11 कदम अप चलते थे 11 कदम डाउन, तो उनके पैर को इनल कमल का फूल निकलता था और जहाँ से कमल का फूल निकलता बुद्ध के ज्ञान मिलने के बाद 2300 वर्ष पहले 2300 वर्ष पहले राजा शक ने 11th स्टेप का निर्माण किया। जहाँ जहाँ उनका चरण चले वहीं पर ये 11th स्टेप का निर्माण किए। 1205 AD में आपने नाम सुना मोहम्मद बख्तियार खिलजी का, जो नंदा विश्वविद्यालय के क्षति पहुँचा, वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ जलाए थे, 6 महीने तक आग लगी। तो उसके बाद जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था, वो बौद्ध धर्म मानने वाले नहीं थे। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ये जो मंदिर था 30 मिट्टी से ढका दिया। 600 वर्षों तक ये जो मंदिर था 30 मिट्टी से ढका हुआ था। 600 वर्षों बाद ब्रिटिश दौर का 1800 में खुदाई किया, तो खुदाई कर एक दिवस में टूट गया है। ये टूटा फूटा स्टेप का इतिहास बता रहे। ब्रिटिश लॉर्ड ने सोचा कि अगर ये डुप्लीकेट स्टेप का निर्माण नहीं किया तो ओरिजिनल स्टेप का इतिहास हो सकता है खत्म हो जाएगा। ये डुप्लीकेट स्टेप का निर्माण ब्रिटिश लॉर्ड का 1800 स्टेप है। ओरिजिनल स्टेप का निर्माण राजा अशोक ने 2300 वर्ष पहले का 11th स्टेप है। तो ये बुद्ध का 3rd वीक है। तो ये दोनों को पत्थर पर कमल का फूल, ये भी कमल का फूल इससे एग्जाम्पल लिए कि फूल का जन्म कीचड़ में होता है, जब ऊपर आता है कमल का फूल बनता है। इससे एग्जाम्पल है कि भगवान बुद्ध सोचे कि दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। इसलिए पहला टीचिंग साल 5 शिष्यों को दिया, 5 शिष्यों को जो टीचिंग दिया उससे आज दुनिया फॉलो करते हैं। दुख का है, दुख का कारण है, दुख का निवार, दुख का उपाय, जलन न दुख रहना दुख, दुनिया के बाद जाने के बाद दुख, कर्म भूमि में मृत्यु भोग में। तो भव चक्र से इंसान चलता है, चाहते दुख का कारण, तृष्णा दुख का कारण, लोभ ही दुख का कारण। यहाँ पर उदय एकदम छोटे बड़े 485 स्तूपा ये सब पाए। मंदिर के बारे में बता देते आपको, ये ब्रिज के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था। ज्ञान मिलने के बाद दो राजाओं ने मंदिर मिलकर बनाया गया। ये मंदिर जो देखिए कौन ब्रिज के नीचे, वहाँ पर उनको ज्ञान मिला था, वो पीपल ब्रिज के नीचे उनका ज्ञान मिला था। हाँ जी, ज्ञान मिलने के बाद नीचे से यहाँ तक जो छोटे छोटे स्तूपा देख रहे हैं इसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। 30 फीट मंदिर का निर्माण राजा अशोक बुद्ध के ज्ञान मिलने के बाद 2300 वर्ष पहले 2300 वर्ष पहले किए हैं। और 150 फीट जो मंदिर है ये समुद्र गुप्ता टालिंग है, 1600 वर्ष पहले। टोटल हाइट 180 फीट, चौड़ाई 52 मीटर। ऊपर का जो गोल्ड है वो थाईलैंड के राजा दुष नवासी के जो शुद्ध सोना दिया, प्योर सोना है। वो 2 नवंबर 2013 को दान में दिए थे। 1205 AD में आपने नाम सुनेंगे मोहम्मद बख्तियार खिलजी का, जो नालंदा विश्वविद्यालय का क्षति पहुँचा, वहाँ की ऐतिहासिक चीज जलाए, 6 महीने तक आग लगी। उसके बाद जब यहाँ पर आए, यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलित था, वो बौद्ध धर्म मानने वाले नहीं थे। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी ये जो मंदिर था 30 मिट्टी से ढका हुआ था। 600 वर्ष बाद जब ब्रिटिश लॉर्ड की सरकार आई तो वो बौद्ध धर्म मानते, इंजीनियर ताचित्रिक थे, उन्होंने सोचा कि 30 मिट्टी को खुदाई नहीं कर गए, ये जो भगवान बुद्ध का धरती थी जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला वो बौद्ध धर्म का इतिहास खत्म हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध चौथा सप्ताह बिताए थे, उनका चौथा सप्ताह जो ध्यान करे तो वो जगह है। ये जगह का नाम है रतन घर। रतन का मतलब ज्ञान और घर का मतलब घर होता है। जब भगवान बुद्ध चौथा सप्ताह मेडिटेशन करे तो उनका शरीर पर ये 5 तरह कलर, ये पंचशील कलर करते, 5 तरह का कलर बालीवन भगवान बुद्ध संदेश दिए। बाना पाता धन सिक्का बदंग समाधियामी, अधिनान सिक्का बदंग समाधियामी, काम सुविधा धन सिक्का बदंग समाधियामी, उत्साह मानव सिक्का बदंग समाधियामी, सुराम अठाना सिक्का बदंग समाधियामी। इसका जो अर्थ निकलता है चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना, शराब होने से प्राप्त नहीं करना, हिंसा हिंसा के राह पर चलना, चांगी मार्ग जो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं ये 8वें मार्ग को फॉलो करते हैं। और ये वो ये जो फ्लैग है बाद में ये बौद्ध धर्म का सिंबल बना। जैसे हर देश हर हर मजहब के लोग एक, जैसे इंडिया का फ्लैग है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, ये बुद्धिज्म का फ्लैग है, तो इंडिया का भी ये फ्लैग है। तो बुद्ध का चौथा सप्ताह, ठीक है। और ये बुद्ध का 5 तरह का मूर्ति था जो टूट गया था बहुत दिन होने के बाद, 5 तरह का मूर्ति होता था। ये बुद्ध का चौथा सप्ताह है, 3 तरह का मूर्ति। बुद्ध का ज्ञान मिला था 2600 वर्ष पहले, सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध का जो मूर्ति देखे, ये बंगाल का राजा डायनेस्टिक राजा महिपाल ने 1000 वर्ष पहले मूर्ति बनाया और ये मंदिर 2300 वर्ष पहले बनाया गया। तो जिस समय सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था 2600 वर्ष पहले, उस समय बुद्ध का मूर्ति नहीं था और ना ही मंदिर, उस जमाने में सिर्फ पीपल ब्रिज था जहाँ पर उनको ज्ञान मिला। उस जमाने में जो बहुत भूखे होते थे, भगवान बुद्ध के नाम से अपने नाम से ऐसा वाले का स्तूपा बना थे बुद्ध की मूर्ति की जगह, इसी को पूजा पाठ करते, इसी चौखंडी स्तूप करते।
अशोक का पिलर है। राजा अशोक ने बनाया था बुद्ध के ज्ञान मिलने के बाद 2300 वर्ष पहले बनाए थे। जिस समय बनाए थे उस समय इसका हाइट था 100 फीट का। अशोक स्तंभ लाइन का चित्र था। 1205 AD में बख्तियार के जिसको नहीं बख्ता इसको भी तोड़वा दिया। इसी में टूटा भाग कलकत्ता के म्यूजियम विक्टोरिया पार्क में रखा है। इस पर गलती से एक आदमी क्वाइन बिगा हुआ, कहा मेरा क्वाइन इस पर चला तो मैं भागशाली लगती हूँ, लेकिन इसका कोई प्रतीत नहीं, गारंटी नहीं, साबित नहीं कि जिसका क्वाइन चला वो आदमी भागशाली है। शायद एक आदमी बिगना तो बहुत लोग बेचारे जस्ट एक तरह से खेल लेते हैं। और जहाँ भी राजा अशोक अपने पहचान के लिए एक अशोक स्तंभ बना जैसे चार दिल्ली में दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बोले थे कि मैं कुमार दादा बहुत ज़्यादा मैं जादू थोड़ा विश्वास मैं कर्म को मान मानता है। ये अशोक अपने राजा अशोक का पहचान लिया। ठीक है, समझ गया। ये मतलब बहुत ऊंचा रहा होगा, ये ऊंचा था, ये तोड़वा दिया गया ना, बहुत ऊंचा था 100 फीट का। सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम यहाँ एक मंदिर बनवाया था। अब उस मंदिर के चिन्ह तो नहीं मिलते, किंतु अशोक के शिलालेखों से यह पता लगता है कि बौद्ध गया का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक महाबोधि मंदिर है। यह भारतीय वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर के शिलालेखों में यह अंकित है कि श्रीलंका, चीन और म्यांमार जैसे देशों से 7वीं और 10वीं शताब्दी में तीर्थयात्री आया करते थे। चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने क्रमशः 409 ईस्वी और 637 ईस्वी में बोधगया की यात्रा की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार महाबोधि मंदिर आज से लगभग 1350 साल पहले बना था। 170 फुट ऊंचे इस मंदिर के चार कोनों पर चार शिखर बनाए गए हैं, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। प्रांगण में अनेक स्तूप फैले हैं। मंदिर व प्रवेश द्वार बड़ा आकर्षक है। सन 1938 में तिब्बती मंदिर, सन 1945 में चीनी मंदिर व बौद्ध विहार तथा थाईलैंड और बर्मा के बौद्ध धर्मावलंबियों ने यहां मंदिरों का निर्माण कराया। ये सब इन देशों की वास्तुकला के सुंदर नमूने हैं। इसके अतिरिक्त सुजाता स्थान या दुर्गेश्वरी मंदिर, प्राचीन रेलिंग, अनिमेश लोचन, लोटस टैंक, पुरातत्व संग्रहालय, भूटान व श्रीलंका के बौद्ध मठ आदि दर्शनीय पवित्र स्थान है। बोधगया से निकटतम स्टेशन गया 16 किलोमीटर दूर है। बोधगया सड़क मार्ग द्वारा गया से जुड़ा है। बताना चाहूँगा यहाँ एक मेन एंट्री गेट है। अगर आप कैमरा वगैरह कुछ भी ले जा रहे हैं तो कैमरा के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, जो कि 100, 300 और 500, और मोबाइल फ़ोन आपको जमा करना पड़ता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से जब आगे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाया गया है, जहाँ पे बूम बैरियर और भी सिक्योरिटी गैजेट मौजूद हैं। पहले यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ करता था, पर 2008 में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद से यहाँ से बैग स्कैनर, बूम बैरियर और भी सिक्योरिटी गैजेट लगा दिए गए हैं, जो कि हम सभी के लिए भी सेफ है और बाहर से जो आते हैं उन लोगों के लिए भी सेफ है। अभी तो कोरोना काल है, जिसके वजह से कोई विदेशी सैलानी दिखे नहीं। ऐसे विदेशी सैलानी यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे। चूँकि हमें यहाँ पे ट्राईपोर्ड और माइक ले जाने की इजाज़त नहीं थी, जिस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई वीडियो शूट करने में, लेकिन हमें उम्मीद है आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सब कमेंट करके अपना अपना सुझाव दें, कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।